बताने के बाद तो ऐसे क्या ही है, ऐसे तो सब यहाँ पे चला लेते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें जो नहीं। तालिब, 13 मार्च की है रात की, एक पत्रकार जो है सप्तऋषि राय, वे अब पटना जंक्शन से अपने घर जा रहे थे जो कि बोर्ड कॉलोनी स्थित है। तो वे टेम्पो से पटना जंक्शन से चढ़े और वे राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास जो है वहाँ पर वे उतर गए और वहाँ से वे पैदल चलने लगे बोर्ड कॉलोनी की तरफ। उसी समय पर जो है कुछ लोगों ने, दो बाइक सवार लोग थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और लिफ्ट देने के बहाने इनको जो है अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। क्योंकि ये रात की घटना थी तो वे कुछ देर आगे बढ़े, बोर्ड कॉलोनी की तरफ बढ़े। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने और थोड़ा सुनसान देखा और थोड़ा फाका देखा तो वहाँ पे उन्हें उतारा और उनके साथ जो है लूट की घटना कारित करी। इसमें से जो है अभी फ़िलहाल जो है एक आदमी को हमने CCTV के और थोड़ी तकनीकी विश्लेषण के ऊपर हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसका नाम है अभिषेक कुमार उर्फ बाजीराव। ये जो है इनकी उम्र जो है 26 वर्ष की है और इनके ऊपर ऑलरेडी एक केस है इसके पूरी थाना में, कांड संख्या 3615 और ये 147, 148, 149, 341, 323 और 427 में जो है जेल जा चुके हैं पहले। और इस घटना में जो मोटरसाइकिल का यूज़ हुआ था वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और एक अभियुक्त जो है अभी भी फरार है। इसमें जो है हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, रामाशंकर जी, नागमणि जी, प्रशांत कुमार, फेकू मंडल, संजीत कुमार और मोहम्मद तालिब, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद जो है इस अपराधी को जो है पकड़ा गया है, एक अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। और एक इसमें जो बहुत सोचने वाली बात ये है कि जब ये घटना कारित हुआ तो उसके बाद जो पत्रकार महोदय है उन्होंने पुलिस को आकर कंप्लेन नहीं करी। सुबह के 10 बजे तक जो है उन्होंने पुलिस को आकर कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो है एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अवेयर लोग हैं, इस तरह की कोई घटना होती है तो इमीडिएटली अगर हमें बता दिया जाता है तो उसका डिटेक्शन और स्पीडी हो जाता है। तो ये जो है आगे से अगर कुछ हो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाए। हाँ, उन्होंने जो कंप्लेनेंट है उनके हिसाब से 5,000 रुपये और सोने का चेन, बट अब जब तक सेकेंड अपराधी नहीं पकड़ा जाता तब तक रिकवरी मुश्किल है। हथियार की बात तो इसमें नहीं आती है, बाइक रिकवर है। अपराधी पकड़ा गया कहाँ से? अपराधी जो है अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। जेल का इतिहास क्या है? पहले पूर्व में भी जेल जा चुके हैं? ये ऑलरेडी मैंने आपको जैसे कि बताया ये जेल जा चुके हैं इसके पूरी से। ठीक है।